दोस्तों, हमारे भारत में एक से एक बढ़कर एक त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे भारत में अनेक परंपरा और रिवाज है जिसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण भी होता है। होली का दिन बड़ा ही शुभ होता है और ये सबसे ज्यादा खुशियां देने वाला त्यौहार होता है। लोग जमकर एंजॉय करते हैं। इसे रंगों का त्यौहार माना जाता है और इस दिन लोग रंगों के साथ बैंड बाजा के साथ घूम मचाकर नाचा गाना करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप होली मनाने के पीछे के सच के बारे में जानते हैं? आखिर होली क्यों मनाई जाती है? क्या है इसके पीछे की वो ऐतिहासिक वजह? तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे अंत तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू वाले घंटी को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना। वीडियो के नीचे जो लाइक बटन दिया है उसे जरूर क्लिक कर लेना। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हिरण्यकश्यप से, जो कि एक दानव था। हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए कई दिनों तक घोर तपस्या की। कई दिनों तक घोर तपस्या करने के बाद आखिर हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने वरदान दे ही दिया। वरदान ये था कि हिरण्यकश्यप को कोई मार नहीं सकता। कोई इंसान नहीं मार सकता, कोई राजा नहीं मार सकता, कोई जानवर नहीं मार सकता, कोई अस्त्र और कोई शस्त्र भी उसे मार नहीं सकता। जब हिरण्यकश्यप को वरदान मिला तब हिरण्यकश्यप खुश हो गया और हिरण्यकश्यप को वो अहंकार आ गया। हिरण्यकश्यप के पास शक्ति आने के बाद हिरण्यकश्यप किसी भगवान को नहीं मानता था और बाकी भी लोग किसी भगवान की पूजा कर रहे ये भी उसको पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान समझने लग गया था और इसलिए उसने पूरे राज्य में घोषणा की कि कोई भी अगर किसी भगवान की पूजा करेगा तो वो सिर्फ हिरण्यकश्यप की ही पूजा करेगा और जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसा हिरण्यकश्यप ने ऐलान कर दिया। लोग भय के कारण हिरण्यकश्यप की पूजा भी करने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप के घर में प्रह्लाद नाम का एक हिरण्यकश्यप का पुत्र था जो भगवान विष्णु की पूजा करता था और उनको ही पूजता था, और ये हिरण्यकश्यप को मंजूर नहीं था। बहुत बार मना करने के बाद भी भक्त प्रह्लाद सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप इस बात पर बहुत ही क्रोधी हो गया और खुद के बेटे को मारने का प्लान बनाने लगा। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रह्लाद को पहाड़ों से फेंक दिया, नदी में डुबा दिया, हाथियों के झुंड में छोड़ दिया। लेकिन भक्त प्रह्लाद पर विष्णु की कृपा होने के कारण भक्त प्रह्लाद हमेशा बच जाते थे। लेकिन ये सब करने के बाद भी हिरण्यकश्यप ने नई चाल सोची, जिसमें उन्होंने अपनी बहन की मदद ली और इस घिनौनी चाल में अपनी बहन की मदद मांगी। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। होलिका को भी भगवान शिव के द्वारा एक वरदान प्राप्त था जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था, और जब तक वस्त्र होलिका के शरीर पर है तब तक होलिका किसी भी आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने फिर होलिका को आदेश दिया कि होलिका अपने साथ साथ भक्त प्रह्लाद को भी आग में लेके बैठेगी और जब तक भक्त प्रह्लाद पूरी तरह से जल ना जाए तब तक वो आग से बाहर नहीं निकलेगी। जब होलिका भक्त प्रह्लाद को आग में लेकर बैठ गई तब भक्त प्रह्लाद भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहे थे और भगवान विष्णु का कर्तव्य था कि अपने भक्तों की मुसीबत में मदद करे। इसलिए भगवान विष्णु ने एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान आया कि होलिका के शरीर से लिपटा हुआ वस्त्र उड़ गया और आग से ना जलने का वरदान पाने वाली होलिका जलकर भस्म हो गई और वही दूसरी ओर भक्त प्रह्लाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं और भक्त प्रह्लाद बच गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने भी नरसिंह का अवतार लेके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और तब से लेकर आज तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उसी दिन से होली मनाने की रिवाज शुरुआत करी गई। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है जिसमें इंसान अपने आप की बुराई को उसके चारों ओर घूमकर आग में जला देता है और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेता है। हिरण्यकश्यप के वध के बाद दूसरे दिन प्रजा ने धूमधाम कर रंग उड़ाकर नाच गाना किया था, उसी कारण हम भी रंग उड़ाकर नाच गाना करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको ये स्टोरी कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये स्क्रीन पे जो दो वीडियो दिख रहे हैं उनके भी आप वॉच कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।